तो हेलो गाइज, आज हम आ चुके हैं आपके लिए एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइज, आज हम आपको बताने जाएंगे कि आप नया गूगल अकाउंट कैसे बनाएं और उसको क्रिएट अकाउंट कैसे करें। तो गाइज, आप हमने पिछली वीडियो भी डाली थी, उस पे आपने इतना अच्छा रेस्पॉन्स नहीं दिया, तो इस वीडियो में ज़रूर रेस्पॉन्स कीजिएगा। तो अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो लेट्स स्टार्ट। आपको क्या करना है, सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि ये अकाउंट ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा पुराना होगा तो उसमें कुछ भी दिक्कत आ सकती है। आपको नया अकाउंट बनाना है, फिर आपको यूट्यूब चैनल बनाना है। तो गाइज, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको आ जाना है यूट्यूब पे। यूट्यूब पे आप जैसे आएंगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जाना है आपको यहाँ पे, लास्ट में आपको ये दिखेगा यहाँ पे अपनी प्रोफाइल। अपनी प्रोफाइल पे जाना है और फिर आपको क्या करना है गाइज, यहाँ पे स्विच अकाउंट लिखा हुआ आएगा, स्विच अकाउंट। तो आपको स्विच अकाउंट पे क्लिक करना है। अब जैसे स्विच अकाउंट पे क्लियर करेंगे तो आपको आपके अकाउंट दिख जाएंगे। जैसे देखो, ये मेरा अकाउंट है जीरोक्स कंटेंट और फैक्ट भाई निकोलाई, जिस पे वीडियो आएगी वो है भाई जीरोक्स कंटेंट। तो भाई, आपको ऐसा इंटरफेस खोलने के बाद आपको क्या करना है, ऊपर आपको दिख रहा होगा अकाउंट्स और प्लस का निशान, तो आपको प्लस के निशान के ऊपर क्लिक करना है। तो आपका फिर ये लोडिंग होएगा गूगल अकाउंट। फिर आपको क्या करना है गाइज, ऐसा इंटरफेस ओपन होने के बाद आपको क्लिक करना है क्रिएट अकाउंट पे, यहाँ पे क्रिएट अकाउंट, जिससे आप अच्छा अकाउंट बना पाएंगे, नया अकाउंट बना पाएंगे। अगर यहाँ पे भरे आप यहाँ पे लिखोगे तो आपका पुराना अकाउंट ओपन होएगा। आपको क्या करना है, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। और अपने को क्या करना है, पर्सनल यूज के लिए करना है, तो आपको क्या करना है, फॉर माई पर्सनल यूज पे क्लिक करना है। जैसे आप फॉर माई पर्सनल यूज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आएगा फर्स्ट नेम और सरनेम। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट नेम पे क्लिक करना है और जो भी आप नेम लिखना चाहें वो नेम लिख सकते हैं। तो मैं नेम लिख देता हूँ, जैसे कि सूरज लिख देता हूँ, सूरज यादव। आपको नाम नेम लिखने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके बर्थ नेम ये जो भी डालना चाहें आप वो डाल सकते हैं। तो मैं डाल देता हूँ, जैसे कुछ भी डाल देता हूँ, आप देखिए। जैसे मैं 13 मई और ये डाल देता हूँ, मेरा जन्म है गाइस 19, मैंने अपनी रियल एज लिखी है। आपको जो भी जेंडर है वो, आप अगर फीमेल हो तो फीमेल भर सकते हैं, मेल हो तो मेल भर सकते हो, मेल मेल भर दिया गाइस मैंने। फिर आपको क्या करना है, इन सभी को भरने के बाद आपको आ जाना है यहाँ पे नेक्स्ट पे। जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे कुछ भी, आपको जो जीमेल बनानी है वो बना सकते हैं आप। जैसे कि मैं बना देता हूँ सूरज सूरज। आपको यहाँ पे सबसे पहले ये ध्यान रखनी है कि इसके बीच में आपको कोई भी स्पेस नहीं छोड़ना है। जैसे मैंने डाल दिया सूरज यादव 3434। अब आपको क्या करना है, ऐसे बनाने के बाद ये gmail.com जीमेल बनाने के बाद फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब देखो, आपके सामने अगर ये यूजर नेम लिया हुआ होगा तो आपके सामने आ जाएगा डेट यूजर नेम इज टेकन ट्राई अनदर। आपको ये किसी दूसरे ने लिख रखा है अपने जीमेल पे, तो आपको क्या करना है, आपको दूसरा लिखना है नेम। तो मैं लिख, तो गाइज अब देखो मैंने ये चूज कर लिया है GT Gamer 4540। फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आपको नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, जो यहाँ पे आप पासवर्ड डालोगे ना वो आपकी जीमेल का पासवर्ड रहेगा और आपके YouTube चैनल का भी। तो आपको ये बिल्कुल सिक्योर पासवर्ड डालना है, तो मैं यहाँ पे आपके लिए सिक्योर पासवर्ड डाल के लाता हूँ, तो वेट करिए आप। तो गाइज मैंने यहाँ पे सिक्योर पासवर्ड लिख लिया है। तो फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपने किस नेम से बनाई है और क्या जीमेल है आपकी। आपका यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखाएगा यू रिव्यू योर अकाउंट इन्फो। यहाँ पे आपको ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे फिर यहाँ पे ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा प्राइवेसी एंड टर्म्स। फिर आपको यहाँ से नीचे नीचे जाना है, नीचे 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 आने पर आपको मिलेगा आई एग्री। आई एग्री पे क्लिक करना है। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद आपको लोड होएगा। फिर आपके सामने फिर ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। फिर आपको यहाँ से मिल जाएगा आपका चैनल सूरज यादव, सूरज यादव मिल जाएगा आपको यहाँ पे चैनल। फिर आपको क्या करना है, सूरज यादव पे क्लिक करना है। सूरज यादव पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, आपको तो यूट्यूब चैनल बनाना है, तो यहाँ पे आना है। आपको क्या करना है, अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करना है। अपनी प्रोफाइल जैसे कोने में आएगा ये यू, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर आपको क्या करना है, तो आपको क्या करना है, फिर यहाँ पे क्रिएट ए चैनल पे आना चाहिए। क्रिएट ए चैनल पे क्लिक करना है। क्रिएट ए चैनल पे क्लिक करने के बाद फिर आपको क्या करना है, अगर आपके पास गैलरी में फोटो है
तो आप गैलरी में से फोटो डाल सकते हैं। तो मैंने ये फोटो चूज कर ली है। फिर आपको गैलरी में से फोटो चूज करने के बाद आपको क्या करना है, सेव एज प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होएगा और आपकी फोटो आपके चैनल पे सेव हो जाएगी। और आपको अगर YouTube चैनल का नेम चेंज करना है तो आप चेंज कर लेना YouTube चैनल का नेम। जैसे मैं आपको चेंज करके दिखा देता हूँ, YP आपको ये चूज कर लेना है। फिर आप जैसे राइट पे क्लिक करें, सेव कर लेना। सेव करने के बाद आपका ये हो जाएगा। फिर आपको हैंडल भी ठीक कर सकते हैं आप, YT3K2N। जैसे ये आपका ये अगर सही होगा तो आ जाएगा, ये सेव हो जाएगा। देखो आप अपना ये सेव हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ऐसा इंटरफेस ओपन होने के बाद अगर ये ग्रीन टिक आ जाए तो समझ लेना ये आपके लिए ठीक है। तो आपको सेव पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सब कुछ आपको ये फिल करने के बाद आपको क्या करना है, क्रिएट चैनल पे क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट चैनल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये लोडिंग होने लगेगा। जैसे ये लोडिंग होगा तो आपके सामने आएगा चैनल क्रिएटेड, ये चैनल बन चुका है। देखो भाई ये आ गया अपना चैनल, और यहाँ पे देख सकते हैं आप YT3 ये चैनल अपना क्रिएट हो चुका है। तो आपको हमने इसके संबंधित पूरी जानकारी दे दी है। और गाइज आपको अगर तो अगर ये आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। ऐसे शर्माती हो।